आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप वीवो का फोन यूज करते हैं तो अपने वीवो के फोन में थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट वाले ऑप्शन को किस तरह से एनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आप ओनली थ्री फिंगर को स्वैप करेंगे अपने डिस्प्ले पर और आपके फोन का स्क्रीन शॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको किस तरह से करते हैं उसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए, जैसे कि मैं थ्री फिंगर को नीचे से ऊपर की तरफ मैं स्वैप करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीन शॉट आ चुका है। ठीक, इसी तरह का फीचर अगर आप भी अपने वीवो फोन में एनेबल करना चाहते हैं तो उसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड में आ जाना, और सबसे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्क्रीन शॉट का। सिंपली आपको इसको यहां से ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के बाद आपको फिर से दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, टेक अ क्विक स्क्रीन शॉट और एस कैप्चर। तो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है टेक अ क्विक स्क्रीन शॉट, इस पर आपको टैप करना होगा। और इस पर टैप करने के बाद आपके फोन में डिफॉल्ट में नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये इस तरह से आपका डिसेबल होगा। इस पर आप देख सकते हैं थ्री फिंगर स्वाइप स्क्रीन शॉट, इसको आपको सिंपली ऐसे एनेबल कर देना है। बस दोस्तों, आपके वीवो के फोन में भी ये फीचर अब एनेबल हो चुका है। अब आप भी अगर अपने थ्री फिंगर को अपने डिस्प्ले पर नीचे से ऊपर की तरफ स्वैप करेंगे तो आपके फोन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप भी अपने वीवो के फोन में अगर थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट वाले फीचर को एनेबल करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी छोटी सी जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।